हाँ तो आ गए तुम। मुझे पता है कर्नाटका ट्रैफिक मोड के बिना रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस यार आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका ट्रैफिक मोड के बारे में एंड फुल रिव्यू आप लोगों को देने वाले हैं एंड डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे ऐड करना है भाई। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए यार शुरू करते हैं आज किस वीडियो को एंड सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कर्नाटका का ट्रैफिक मोड। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा आशा ट्रैक मोड है यहाँ पे जो कि कर्नाटका का ट्रैफिक है एंड ये देख सकते हो हमारी बस है। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ बट फिर भी आप लोगों के लिए कर्नाटका ट्रैफिक मोड लेकर आ चुका हूँ गाइस। तो देख सकते हो ये कर्नाटका की है या नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताना एंड ये देख सकते हो हमारी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ भाई एंड ये भी कर्नाटका की बस मोड है एंड ये देख सकते हो ये भी कर्नाटका का ट्रैफिक है। तो सारा का सारा आप लोगों को भाई फुल एकदम फुल रियलिस्टिक कर्नाटका का ट्रैफिक मोड इसके अंदर मिलने वाला है। और आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा इस ट्रैफिक मोड फाइल के अंदर। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो आइए यार अभी आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि रह गई थी। ये देख सकते हो हमारा HP का गैस एंड यहाँ पे आप लोगों को ये HP गैस ट्रक भी देखने को मिल जाएगा जो कि भाई इस कर्नाटका के अंदर आप लोगों को आम ही देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर बात हो रही है हमारे कर्नाटका ट्रैफिक मोड की तो भाई आप लोगों को यहाँ पे KSRTC बस देखने को ना मिले ये तो भाई कोई मजे वाली बात नहीं हुई। तो देख सकते हो यहाँ पे KSRTC बस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी तो मजा आ गया भाई। तो गाइस अभी हम बात करते हैं अपनी बस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारी बस एंड इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर मोड इंस्टॉल करने के बाद। तो आप लोग फ्रंट में देख सकते हो ये है हमारी JB3 बस मोड, ठीक है। तो एंड फ्रंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 कलर्स की लाइन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर के अंदर भी आप लोगों को काफी कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई इंटीरियर के अंदर आप लोगों को ब्लू कलर ऐड हुआ मिल जाएगा एंड देख सकते हो यहाँ पे अंदर कुछ जायका एंड जेनी फास्ट फूड ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो भाई इंटीरियर भी काफी ज्यादा यहाँ पे चेंज हो चुका है एंड अशोक लेलैंड की ये बस आप लोगों को मिल जाती है एंड स्टेयरिंग के ऊपर भी आप लोगों को अशोक लेलैंड का लोगो मिल जाता है। तो आइए गाइस अब आप लोगों को मिलवाता हूँ नन्हे मुन्ने बालकों से एंड ये देख सकते हो यहाँ पे अब गाइस ये जो पहले बोलते थे कि गो ड्राइवर गो बट अब ये ऐसा नहीं बोलेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ म्यूजिक सुनाई देगा एंड ये देख सकते हो बच्चे हमें नाचते हुए देखने को मिल जाएंगे एंड एक बच्चा यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा है सौरभ जोशी की तरह। तो इसको भी लगता है व्लॉग सौरभ जोशी की लत लग चुकी है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो आइए गाइस अब आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कर्नाटका का सैलून। अगर आप लोगों के लिए बाल भी बढ़ चुके हैं तो भाई आप लोगों को यहाँ पे सैलून देखने को मिल जाएगा एंड आप लोग बस साइड में लगा के अपने बाल वगैरह यहाँ से कटवा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कर्नाटका एंड सैलून, देख सकते हो भाई। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को सड़क के साथ साथ बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक और बोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है बांदीपुर नेशनल पार्क। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक और बोर्ड देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू नगरहोल एंड सेव द टाइगर। गाइस जब आप लोग इस गेम को स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को कुछ गैरेज का बैकग्राउंड है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड ये जब आप लोग इस ट्रैफिक मोड को ऐड करोगे तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा चाहे आप लोगों ने फिर कौन सा भी बैकग्राउंड ऐड कर रखा हो। बट गाइस आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो एंड उसके लिए हम एक और नया वीडियो बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और अब आप लोगों को बता दूं कि आप जब अपनी बस का रिवर्स गियर डालोगे तो आप लोगों को एक अलग साउंड देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग जैसे कि कंडक्टर भाई सीटी बजाता है ना बस रोकने के लिए वो साउंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड जब आप लोग इसको रिवर्स में डालोगे तो आपका ये साउंड ऑन हो जाएगा अपने आप ही ये सिटी की तरह बोलने लग जाएगा। तो आइए आप लोगों को सुना देता हूं। तो आइए गाइस अब देखते हैं हम इस बस के हॉर्न साउंड। अब बात करते हैं इस कर्नाटका ट्रैफिक मोड को कैसे डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करना भाई इतना आसान नहीं है तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है एंड अब आप लोगों को इसको डाउनलोड करने के लिए जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड वहां पे लिखा होगा कर्नाटका ट्रैफिक मोड डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है एंड आप लोगों को एक नया वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो के अंदर देख लेना है आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इसके अंदर ऐड करना है अपने OBB फाइल के अंदर। आप लोगों को सब स्टेप बाय स्टेप मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। तो अभी आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए एंड आई होप आप लोगों को ये रिव्यू काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि गाइस आगे भी आप लोगों को ऐसे ही न्यू लेटेस्ट गेमिंग मोड मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। तो भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप सबको सबसे अच्छा लगा वो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना एंड बात करें गाइस इस OBB फाइल की तो OBB फाइल के अंदर आप लोगों को कोई भी पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा तो इसी बात पे एक लाइक तो करना ही करना है भाई। और गाइस जो भी कर्नाटका से वीडियो देख रहे हैं यार वीडियो में जरूर बताना कि मैं कर्नाटका से हूं, कमेंट में जरूर बता देना अपना, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.